दोस्तों आज का वीडियो बहुत सरल है क्योंकि टॉपिक है सर्च द नाउन इन द सेंटेंसेस एंड टेल द टाइप ऑफ द नाउन फर्स्ट कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सरल होते हुए भी कठिन क्यों है? हमने देखा है स्कूलों में बच्चों को नाउन तो बताते हैं, नाउन के टाइप्स भी बताते हैं, लेकिन हमारे बच्चे कैपेबल नहीं हो पाते हैं सेंटेंस में नाउन बताना। डेफिनेशन मालूम होता है, डेफिनेशन के अनुसार वो एग्जांपल्स दे सकते, लेकिन सेंटेंस में बच्चे नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि टीचर बताते ही नहीं है स्कूल में। तो आज के जो हमारा लेसन है इस पे बेस है कि हम सेंटेंसेस में नाउन को कैसे खोजें और कैसे हम बता पाए कि ये नाउन है और ये नाउन नहीं है, और नाउन है तो कौन सा नाउन है। पहला सेंटेंस देखिए, द सेंटेंस इज द क्राउड वॉज वेरी बिग। अब आपको जैसा कि पता है कि आर्टिकल ए एंड द स्पष्ट रूप से पता है कि आर्टिकल हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज के पहले लगता है, या सिंपल कहें तो हम नाउन के पहले लगता है। तो आपको इस सेंटेंस में देखने से आराम से पता चल जाएगा कि ये जो द है उसके बाद का जो वर्ड है क्राउड नाउन है। ये जो नाउन है कौन सा नाउन है, कॉमन है, प्रॉपर है या कलेक्टिव है या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पर जो क्राउड है एक समूह है, इसलिए कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। दूसरा देखिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब द ट्रूथ सेम रूल इज हियर, द आर्टिकल है तो ट्रूथ मतलब ये हमारा नाउन हो गया, जैसे यहाँ पे ये नाउन था। ट्रूथ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी वस्तु का नाम नहीं है, न किसी समूह की बात हो रही है। तो इसका मतलब है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? गुण धर्म या उसके रूप के बारे में बात होती है। तो ये जो ट्रूथ है सच्चाई, सच्चाई किसकी? कहने की सच्चाई। तो यहाँ पर ये जो ट्रूथ है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी ऑल लव ऑनेस्टी। अब यहाँ पे आर्टिकल तो नहीं है, तो अगर आप वर्ब जानते हैं, प्रोनाउन जानते हैं और क्वांटिफायर या डिटरमिनर या पोस्ट मॉडिफायर जानते हैं तो आप आराम से नाउन ऑनेस्टी को पहचान सकते हैं। और ऑनेस्टी न तो कोई व्यक्ति है न समूह है, इसका मतलब ये गुण है, किसी भी चीज का व्यक्ति का गुण है। सामान्य रूप से जानवर में ऑनेस्टी होती नहीं है तो व्यक्ति में ही ऑनेस्टी होती है। तो जब गुण होता है तो गुण को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ये जो ऑनेस्टी है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आवर क्लास, मतलब ये जो क्लास हो गया ये नाउन हो गया। अब क्लास कहने से एक समूह की बात आ रही है, एक हमको समूह का बोध होता है। तो जब समूह का बोध होता है तो कौन सा नाउन कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। कंसिस्ट ऑफ वर्ब है 20, क्वांटिफायर क्वांटिटी बता रहा है, तो क्वांटिफायर भी आता है नाउन के पहले। तो ये जो पीपल्स है ये हमारा नाउन हो गया, और पीपल लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, तो मतलब ये प्रॉपर नहीं है न तो अब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए कॉमन नाउन आएगा। इसको हम पीपल को कॉमन नाउन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द एलिफेंट आर्टिकल है, इसका मतलब ये जो एलिफेंट है ये नाउन है, और ये एलिफेंट मादा भी हो सकता है नर भी हो सकता है, इसलिए ये कॉमन नाउन कहलाएगा। चूंकि क्लास या वर्ग की बात कह रहे हैं या किसी प्रकार की बात कह रहे हैं, एलिफेंट भी जानवर का एक प्रकार है, तो इसलिए जब प्रकार की बात होती है तो ये कॉमन नाउन कहलाता है। हैज ये आपका वर्ब है, ग्रेट, ग्रेट जो है एडजेक्टिव है, तो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो है एडजेक्टिव हमेशा स्ट्रेंथ के पहले आता है, तो स्ट्रेंथ जो है आपका नाउन हो गया। लेकिन कौन सा नाउन इसको आप बता नहीं सकते, शो नहीं कर सकते, लेकिन पता चलता है स्ट्रेंथ है, ताकत है। तो ऐसे जिसमें पता हो, गुण हो, धर्म हो या प्रकार हो, तो वो क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। सोलोमन दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन, तो किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो यहाँ पर उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। आप जैसा आपको डेफिनेशन आपने पढ़ा है, वाज इज द वर्ब एंड फेमस, कौन फेमस है? सोलोमन। तो दिस इज द एडजेक्टिव फॉर प्रीपोजिशन हिज प्रोनाउन विजडम। व्हाट इज ही फेमस फॉर? हिज विजडम। तो ये जो हुआ ये भी आपका नाउन हुआ, लेकिन जैसा आपने सेंटेंसेस में देखा है कि जो गुण होता है या क्वालिटी होती है या स्टेट होता है वो क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो जो विजडम है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, और ये जो सोलोमन है ये प्रॉपर नाउन होगा। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडेस। वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट हमेशा नाउन से ही बनता है, या सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। मतलब क्लीनलीनेस इज नाउन इज नेक्स्ट टू, अभी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है। इसका मतलब ये भी नाउन हो गया और ये भी नाउन हो गया। अब देखिए, दोनों क्लीनलीनेस और गॉडलीनेस ये हम दोनों चीज गुण बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। इसका मतलब क्लीनलीनेस और गॉडलीनेस दोनों अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी सॉ अ आर्टिकल, मींस आर्टिकल के बाद का जो भी वर्ड होगा नाउन होगा। इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद शिप, और फिर इन द आर्टिकल, तो आर्टिकल के बाद जो वर्ड है हावर,
ये नाउन हुआ, मतलब यहाँ पे फ्लीट, शिप्स और हार्बर, ये तीनों नाउन हुआ। फ्लीट समूह, कलेक्टिव नाउन। शिप क्योंकि प्रॉपर नाउन नहीं है, कलेक्टिव नाउन भी नहीं है, स्टेट नाउन भी नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन नाउन है। एंड हार्बर इज आल्सो अ कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द क्लास इज स्टडी ग्रामर। द क्लास, द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद जो भी वर्ड है नाउन होगा, और नाउन यहाँ पे क्लास हुआ। इज स्टडी ग्रामर, सब्जेक्ट वर्ब फ्रेज एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भी हमेशा नाउन होता है, इसका मतलब ये जो ग्रामर है ये भी नाउन है। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, क्लास, क्लास समूह है, कलेक्टिव है, तो हियर इट इज कलेक्टिव नाउन। लेकिन ग्रामर क्या है, कॉमन है, नहीं है। क्या ये कलेक्टिव नाउन है, नहीं है। क्या ये प्रॉपर नाउन है, नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति के नाम नहीं, कलेक्शन समूह नहीं है। ये रूल्स है, रूल्स हमने बनाए हैं, गुण इसके, किसी भी लैंग्वेज के गुण हमारे द्वारा बनाए होते हैं, इसलिए ये जो ग्रामर है दिस इज अवस्टेक नाउन। नेक्स्ट देखिए, द गोदावरी, आर्टिकल के बाद, फिर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, इट्स प्रीपोजिशन बैंक्स, एवरी क्वांटिफायर, उसके बाद ईयर, क्वांटिफायर हमेशा नाउन के पहले आता है, इसका मतलब गोदावरी, बैंक्स और ईयर, ये तीन नाउन हुआ। अब गोदावरी इज द नेम ऑफ अ रिवर, मीन्स इट इज प्रॉपर नाउन। बैंक्स, बैंक्स मतलब नदी का किनारा, ये प्रॉपर हो नहीं सकता, किनारा तो हर नदी का होता है, सो दिस इज कॉमन नाउन। एंड ईयर इज ऑल्सो कॉमन नाउन, क्योंकि ये हर साल बदलता रहता है, गुण तो है नहीं, कलेक्टिव भी नहीं है, प्रॉपर भी नहीं है, मीन्स अबस्टेक्ट भी नहीं है, कलेक्टिव भी नहीं है, प्रॉपर भी नहीं है, इसलिए दिस इज कॉमन नाउन। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, अ कमिटी ऑफ फाइव वाज अपॉइंटेड। यहाँ पर देखिए, अ आर्टिकल इज देयर, सो आर्टिकल के बाद जो वर्ड पड़ता है आपको पता है कि नाउन है, तो कमिटी इज द नाउन, एंड कमिटी मतलब कई लोगों का समूह, सो इट इज कलेक्टिव नाउन। अब आगे देखिए, कहीं पे भी कोई भी नाउन नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जवाहरलाल नेहरू, दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन, मीन्स ये आपका नाउन हो गया। वाज द फर्स्ट, द फर्स्ट, फर्स्ट चूंकि नाउन नहीं है, क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिफायर है, एडजेक्टिव के रूप में या क्वांटिफायर या डिटरमिनर हम उसको बोलते हैं, तो ये दोनों इसको आप छोड़ दीजिए, तो द के बाद प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हैं, तो दिस इज आल्सो अ नाउन। ऑफ इंडिया, इंडिया अपने देश का नाम है, तो आपको पता है कि ये जो जवाहरलाल नेहरू, दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन, और जब नेम ऑफ अ पर्सन हो तो हमेशा प्रॉपर नाउन होता है। एंड प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज अ पोस्ट, क्लास, वर्क, तो जब ऐसी बात होती है, जब किसी का नाम ना हो लेकिन पोस्ट के बारे में बात हो रही है, क्लास के बारे में बात हो रही है, किसी वर्क के बारे में बात होती है, तो कॉमन नाउन होता है। एंड दिस इज इंडिया, दिस इज द नेम ऑफ अ कंट्री, और नेम ऑफ कंट्री हो तो हमेशा वो प्रॉपर नाउन होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द सोल्जर्स, आर्टिकल के बाद नाउन, वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, प्रीपोजिशन के बाद देयर, देयर यहाँ पे डिटरमिनर एडजेक्टिव कर सकते हैं, ब्रेवरी, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में सोल्जर्स एंड ब्रेवरी, सोल्जर्स महिला पुरुष कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन नहीं हुआ, कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ, ये कॉमन नाउन हुआ। एंड ब्रेवरी, ब्रेवरी दिस इज द क्वालिटी ऑफ द सोल्जर्स, तो क्वालिटी की जब बात होती है तो अवस्टेक नाउन कहलाता है, तो ये अवस्टेक नाउन हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, विदाउट हेल्थ, ठीक है, हेल्थ आपका नाउन हुआ, देयर इज नो हैप्पीनेस, एडजेक्टिव, विदाउट एंड नो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन, मतलब एडजेक्टिव हमेशा नाउन की क्वालिटी बताता है, नाउन की विशेषता बताता है, तो हेयर हेल्थ एंड हैप्पीनेस बोथ आर नाउन, एंड हेल्थ दिस इज आपका हेल्थ कैसा है, तो ये तो आपकी गुण ही है, क्वालिटी है, एंड हैप्पीनेस इज आल्सो अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, हियर हेल्थ एंड हैप्पीनेस बोथ आर अवस्टेक नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, ही गेव मी अ बंच, आर्टिकल, आर्टिकल पर बंच, मींस दिस इज नाउन, ऑफ ग्रेप्स, बंच कलेक्शन, गुच्छा कलेक्शन, सो दिस इज कलेक्टिव नाउन। एंड ग्रेप्स ये कॉमन नाउन हुआ, प्रॉपर है नहीं, अवस्टिक है नहीं, कलेक्टिव, ग्रेप एक भी होता है, ये क्लास की बात हो रही है, फलों के, क्योंकि ग्रेप है फल है, तो फल के एक क्लास के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर ग्रेप्स इज कॉमन नाउन एंड बंच इज कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस एट वंस, तो इस सेंटेंस में आप इसको भी जानते हैं प्रोनाउन है, इसको भी जानते हैं वर्ब है, ये भी प्रोनाउन है, एट वंस प्रीपोजिशन है, तो ये जो वॉइस हुआ बसता है, और ये है नाउन। अब कौन सा नाउन है, क्या है, कलेक्टिव है, नहीं है, क्योंकि कलेक्शन या समूह की बात नहीं है, प्रॉपर किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का नाम नहीं है, गुण भी नहीं है, क्योंकि वॉइस को आप
पहचान सकते हैं, वॉइस की क्वालिटी एक अलग है लेकिन वॉइस पहचान सकते हैं। तो दिस इज कॉमन नाउन। नेक्स्ट आवर टीम, आवर एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले, टीम इज बेटर देन देयर्स। तो यहाँ पर इसके अलावा कोई भी वर्ड नाउन नहीं है, सिंगल टीम इज द नाउन। एंड टीम, टीम हमेशा कलेक्टिव की बात हो रही है, मतलब एक टीम में दो या दो से ज्यादा ही रहते हैं, तो दिस इज कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट नेवर टेल अ लाई, एंड लाई, लाई कॉमन भी नहीं है, प्रॉपर भी नहीं है, कलेक्टिव भी नहीं है, निश्चित है ये अवस्थित नाउन है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसका गुण बताता है, क्वालिटी बताता है, इसलिए दिस इज एन अवस्थित नाउन। नेक्स्ट विजडम इज बेटर, विजडम इज बेटर मतलब ये सब्जेक्ट हुआ, तो ये हो गया सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। इज बेटर देन स्ट्रेंथ, यहाँ पर ये स्ट्रेंथ ये आपका नाउन हो रहा है। विजडम एंड स्ट्रेंथ बस फॉर नाउन and both are abstract noun because wisdom and strength tells the quality of a person. Next sentence dekhiye, he sets a high value on his time. So a high means ye noun phrase hua aur on preposition hai to ye bhi noun phrase hua, lekin yahan par high और यहाँ पर his दोनों एसेप्टिव या डिटर्मिनर के रूप में काम आ रहा है, इसलिए ए हाई छोड़ दीजिए। तो वैल्यू दिस इज नाउन एंड हियर टाइम दिस इज नाउन, एंड वैल्यू, वैल्यू भी आपका रेस्ट्रिक्ट हुआ क्योंकि दिस इज क्वालिटी, एंड टाइम, टाइम ही क्वालिटी है क्योंकि ये कलेक्टिव है नहीं, प्रॉपर है नहीं, कॉमन है नहीं। सो दिस इज वैल्यू एंड टाइम बोथ हैव अवस्टेक नाउन। आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, तो हियर प्रोनाउन वर्ब प्रीपोजिशन, एंड प्रीपोजिशन यहाँ पे मतलब ये नाउन फ्रेज हुआ, तो यहाँ पर हिज जो है प्रोनाउन है, तो ये हमेशा इनोसेंस आपका यहाँ पर नाउन हुआ। और ये नाउन आपका कॉमन भी नहीं है, प्रॉपर भी नहीं है, कलेक्टिव भी नहीं है, लेकिन ये क्वालिटी बता रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अवस्टेक नाउन। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दिस रूम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है? नाउन के लिए यूज होता है। इस 30 feet, 30 क्वांटिफायर, तो क्वांटिफायर के बाद हमेशा नाउन। इन लेंथ दिस इज आल्सो अ नाउन, सो इन दिस सेंटेंस दिस रूम इज 30 feet इन लेंथ। तो लेंथ, फीट एंड रूम, दिस थ्री वर्ड्स आर नाउन। रूम इज कॉमन नाउन क्योंकि रूम प्रॉपर है नहीं, कलेक्टिव भी नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है, इसलिए कॉमन। फीट इज ऑल्सो कॉमन नाउन, एंड लेंथ, लेंथ किसी भी चीज का लेंथ, हम किसी गुण है मतलब दिस इज द क्वालिटी, क्योंकि वो वस्तु नहीं है, एक मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट इज द क्वालिटी ऑफ द सब्सटेंस, वस्तु का क्वालिटी होता है, तो दिस इज द नाउन, बट दिस इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट सी, आई ऑफन थिंक ऑफ द happy days of childhood। The is article, तो article के बाद जो है आपका जो word आता है noun होता है, लेकिन यहाँ पे happy ये आपका adjective है, इसका मतलब days ये हो गया noun, and childhood it is preposition के बाद है, इसीलिए क्या है ये noun हो गया। तो यहाँ पर days ये भी common है, and childhood ये abstract है क्योंकि दिखाई नहीं देता है, quality है किसी person का। Next the streets, द क्या है? आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद जो भी वर्ड आता है वो आपका नाउन होता है। ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज, यहाँ पर देखिए सिटीज ये आपका, जैसे अभी अपना ढेर सारे सेंटेंसेस पढ़े तो आपको पता ही चल गया होगा, ये सिटीज आर नोटेड फॉर देयर क्रूकेडनेस। इस सेंटेंस में तीन हुआ, स्ट्रीट्स, सिटीज एंड क्रूकेडनेस, ये तीनों आपके नाउन होते हैं, लेकिन स्ट्रीट्स एंड सिटीज दे आर कॉमन नाउन, एंड क्रूकेडनेस निस्ता ये क्वालिटी है, एंड क्वालिटी इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सी द सेंटेंस, व्हाट इज योर वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मींस डिसीजन, निर्णय, तो वर्डिक्ट दिस इज नाउन। यू वर्डिक्ट मींस डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ड आता है वो नाउन कहलाता है। इस प्रकार जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, द आर्टिकल के बाद ज्यूरी, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में तीन हुआ, वर्डिक्ट, जेंटलमैन एंड ज्यूरी। वर्डिक्ट उनका डिसीजन है, उनके डिसीजन मतलब उनका जो गुण है उसके अनुसार वो डिसाइड करते हैं, उसके गुण के अनुसार वो काम करते हैं, ये कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है। तो जब कॉन्क्रीट चीज नहीं है, इसका मतलब ये जो वर्डिक्ट हुआ, अब्स्ट्रैक्ट हुआ। एंड जेंटलमैन दिस इज द पोस्ट, एंड पोस्ट इज ऑलवेज कॉमन नाउन। ज्यूरी, ज्यूरी इज ऑल्सो पोस्ट, बट ज्यूरी दो तीन जज या दो तीन व्यक्तियों का समूह होता है, दैट्स व्हाई इट इज कलेक्टिव नाउन। आशा है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। और सेंटेंसेस में हम नाउन की जब खोज करते हैं तो आपको देखिए पूरे रूल्स याद करने पड़ते हैं, और पूरे रूल्स आपके दिमाग में होते हैं तो आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाती है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।